दुर्योधन की दृष्टि से बलदाऊ जी, दुर्योधन की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण। हमने कल ही कहा है कि हमारे शास्त्र किसी के ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं बने हैं, हमारे शास्त्र सत्य हैं। आपको जो चुनना है चुन लो, हमारी आपकी तरह नहीं है कि ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, अपना सारा ब्लैक शेड गायब कर दिए हैं और ब्राइट वाला सब ला के रखे हैं। बचपन से ही दयालु थे, बचपन से ही गरीबों के प्रति इनका ध्यान था, बचपन से ही इनके सर के पीछे में सूर्य ऐसे ऐसे चक्कर लगाता था, बचपन से जब चलते थे तो सांप इनके आगे पीछे चलते थे, बचपन से बाघ इनके साथ खेलता था, पता चला खटमल देख के भाग गए थे, ये भी हो सकता है। तो ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं है ये शास्त्र, ये शास्त्र सब कुछ लिख दे रहा है। और आप विवेकवान प्राणी हैं, यू हैव टू चूज, आपको क्या सीखना है क्या चुनना है वो आप तय करो। सोने के महल में रहने वाले रावण की दुर्गति, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती ता रावण घर दिया न बाती, यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है कि सोने के इस महल में रह करके अपने खानदान के सहित समाप्त होकर हजारों लाखों साल तक लोगों की गालियां सुननी है, या अंत समय में भी विभीषण की तरह भगवान श्री राम के चरण में जाकर द्वादश महाभागवत में आकर के लंकेश बनना है। इट्स योर चॉइस नॉट माइन, यू हैव टू डिसाइड इट। व्यासपीठ सिर्फ कहेगी, व्यासपीठ सिर्फ निवेदन करेगी, व्यासपीठ सिर्फ शास्त्रों को सामने रखेगी, व्यासपीठ विभिन्न एंगल से उसका व्याख्या करेगी, अलग अलग दृष्टि से उसकी व्याख्या होगी। आपने जिस दृष्टि से व्याख्या सुनी है उसी दृष्टि से व्याख्या होगी, ये बाध्यता नहीं है। व्यासपीठ खुला है, हर एंगल से सुनेंगे। और ये प्रश्न भारत के सामने मैं रख रहा हूं और इन्हीं 7 दिनों में इसका जवाब भी दूंगा, पर 2-3 दिन तुम भी अपना जरा माथा खुजाओ कि अजामिल के इस प्रकरण को लेकर के, और अगर हमारे बच्चे ये प्रश्न कर दें, देख लेंगे लास्ट में, चलो अभी बकबक मत करो, अभी तो जीने दो, मस्त रहे मस्ती में चाहे आग लगे बस्ती में, तो क्या जवाब दोगे? इस पर मीमांसा करेंगे। ध्रुव चरित्र है, उत्तानपाद की दो रानियां हैं। उत्तानपाद का अर्थ आपने सुना ही है, हर व्यक्ति उत्तानपाद है, उल्टा ही पैदा होता है मैया के पेट से। और एक बात और है, उत्तानपाद का अर्थ यह है कि विवेक जो नीचे रख दिया हो और कर्मठता को ही ऊपर रख दिया हो, कर्म ही पूजा है ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, पर पता नहीं किस शास्त्र से लिया गया, ट्रक वाले बन गए हैं गीता के मनीषी, ट्रक में लिखा हुआ है ट्रक से, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म पूजा है? कर्म तो इस दुनिया में चाहे अंडज हो स्वेदज हो जरायुज हो कोई भी हो, श्वास लेना भी कर्म है। क्या ऐसा भी कोई जीव इस पृथ्वी पर है जो कर्म न कर रहा हो? क्या रावण को तुम निकम्मा कहोगे? क्या कंस को तुम निकम्मा कहोगे? गोकुल में जन्म लिए, ब्रज में जन्म लिए, 10 दिन के भीतर एक एक बालकों की खोज लेकर के महाराज कितनी सीबीआई और रॉ लगेगी तब पता करके एक एक को मरवाना है, वो कर्म नहीं कर रहा, ये भी कर्म है? तो कर्म ही पूजा है। व्हाट डू यू मीन बाई कर्म? क्या गीता को आपने पढ़ा? कर्म क्या, विकर्म क्या, अकर्म क्या? तो वो मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है भारत में, पर ट्रक के पीछे महाराज जी अपना तो ऐसा है कि कर्म ही पूजा है। अरे तेरा कर्म, सुबह से उठे 10 से 4 तक नौकरी कर गए, फुर्सत नहीं न मीमांसा की न किसी चीज की, न जीवन में मुस्कुराहट है न आनंद है न आह्लाद है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अपने तो क्या है, अपने तो धर्म वर्म कम मानते, अपने कर्म को मानते। भारत में ज्यादा संख्या इनकी हो गई है, मुंह ऐसा बनाए रहते हैं। अब खा के अपना क्या है महाराज जी, अपने तो धर्म वर्म में ज्यादा विश्वास नहीं, अपने कर्म को ही धर्म मानते हैं अपन लोग, कर्म को ही मानते हैं, कर्म को। तो कर्म है क्या, कर्म है क्या, कौन से कर्म? कर्म का डेफिनेशन बताए, कर्म का चुनाव कर लिया कि कौन से कर्म करने? अपने उसी कर्म के कारण तो रेशम के कीड़े की तरह स्वयं ही जाली बनाए हो और स्वयं ही उसमें मर जा रहे हो। रेशम का कीड़ा स्वयं बनाता है अपना घर, अपना सब कुछ विस्तार करता है और खुद ही मर जाता है, उससे रेशम का कपड़ा बना करके चांपा में लोग बेच देते हैं।
छत्तीसगढ़ में, बताओ महाराज। वही रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा घर अपने लिए बनाता है, परिश्रम करता है, पर उसको क्या पता कि वही घर उसके मृत्यु का कारण है, उसी में फंस के मर जाता है। अब एक कपड़े बना के हम लोग पहनते, अब वो जो इतना मेहनत किया था बेचारा कहीं का नहीं रहा, उसको पता हो जाता कि हम मर मर आ जाएंगे और ये कुर्ता पहन पहन के भागवत सुनेंगे तो कभी मरता? कभी नहीं मरता, वो अपनी जिंदगी बचाता। हर प्राणी अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ रहा है इस अस्तित्व में, एक चींटी भी अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ रही है, छोटे से छोटे कीड़े भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो उस दृष्टि से कर्म ही पूजा है, यह भी कितना खतरनाक है भारतवर्ष में जरा बताओ। पर जब देखो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा है निश्चित है, पर वो कर्म कौन सा कर्म है? कर्म की व्याख्या जाना आपने, कर्म की व्याख्या को सुना शास्त्रों के अनुरूप, विद्वानों से भगवान के अनुसार क्या सुना, आपके एग्जिस्टेंस के अनुसार, आपके ब्लिसफुलनेस के लिए सुना कि कौन सा कर्म करना है? कर्म ही पूजा करिए, भगवान करे ऐसी पूजा आपकी चलती रहे, मुंह लटका रहे जिंदगी भर, ऐसे जहां जाइए मुंह लटका के जाइए, यही कर्म करते रहिए। अगर कर्म ही पूजा है तो स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, मुस्कुराहट, जहां जाइए मुस्कुरा रहे हैं भीतर से, अंदर से मुस्कुराहट है, तब मानू कि आपके कर्म पूजा है, आपके कर्म ठीक ठाक हैं, आपके कर्म ही आपके बंधन बन गए हैं, आपके कर्म ही आपके उलझन बन गए हैं, आपके कर्म ही आपके ऊपर डिप्रेशन बन गए हैं और आप उसका इलाज लेते चल रहे हो, ये कैसा कर्म है, ये कौन सा कर्म है?